नए क्षेत्र की खबर जानने के लिए हमारे YouTube चैनल गांव तक को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबाइए। खंडवा की नई अनाज मंडी में बुधवार को भारतीय किसान संघ की बैठक में 3 वर्षीय चुनाव के दौरान निर्विरोध टीम का गठन हुआ, जिसमें खंडवा जिले से एक बार पुनः निर्विरोध राधेश्याम चाचरिया को अध्यक्ष चुना गया। साथ ही खंडवा जिले से सुभाष पटेल को महामंत्री मनोनीत किया गया। इसके अलावा खंडवा से 21 सदस्यों की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसके साथ ही आगामी 12 सितंबर को भोपाल में प्रदेश टीम का गठन होगा। इस कर्म के काम से भी, इस कर्म योग से भी, ईश्वरी दान से भी आपको मोक्ष मिल सकता है। इसलिए आप जैसे अनेक लोगों ने इस दुखी पीड़ित शोषित किसान समाज के काम को अपने जीवन का अंग बनाया, अपने समय को उसमें लगाने का काम किया है। और इस काम को करने के लिए इंसान भारतीय किसान संघ ये हमारे लिए माध्यम, जिसकी स्थापना 4 मार्च 1979 को हुई। इस किसान संघ ने स्थापना काल में ही तय कर दिया, इसकी परिभाषा क्या है सब जानते हैं नहीं लोग, कि भारतीय किसान संघ किसानों का किसानों के लिए किसानों द्वारा, किसानों का किसानों के लिए किसानों द्वारा चलाए जाने वाला गैर राजनीतिक और राष्ट्रवादी संगठन है। गैर राजनीतिक और राष्ट्रवादी और राष्ट्रव्यापी संपूर्ण देश में काम करने वाले। अब यह शब्द आया गैर राजनीतिक, इसका मतलब क्या है? वोट डालना यह राजनीति नहीं है। जिसको वोट दिया आपने वो जीतना चाहिए, आपका वोट व्यर्थ ना जाए, उसका समर्थन कर दिया वो भी राजनीति नहीं है। पर जब आप किसी पार्टी का झंडा लेके घूमते हैं तो राजनीति। क्योंकि पार्टी क्या होती है? समाज। आप पार्टी जो है समाज का हिस्सा हो जाती है। आप समाज नहीं बनते फिर हिस्सा हो जाता है समाज। किसान संघ में नहीं होता, जिम्मेदारियां होती है। मुझे एक जवाबदारी दी गई है अपने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए। ऐसे मेरे को जिला मंत्री का दायित्व दिया गया, पहले मैं जिला उपाध्यक्ष था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं अपने जिले के सभी किसानों की जो भी समस्या रहेगी, 3 साल नहीं की हो तो मैं कई सालों से उनके लिए कार्य कर रहा हूँ। अगर 3 साल जो मेरी जवाबदारी उसमें भी कार्य करूंगा, और अगर नई भी जवाबदारी रहेगी तब भी मैं किसानों के लिए ऐसे ही कार्य करूंगा जैसे मैं करता हूँ। जी, करने में मेरे सभी साथी हैं कि 21 लोगों की कार्यकारिणी बनी है। इसमें जो 2023 का जो किसानों को बीमा रुका गया है, इसको हम सबसे पहले प्रमुखता से लेंगे। जो नहरों में जिन गांव से नहीं जोड़ा गया, जैसे खंडवा उद्वहन सिंचाई, इसमें जिन गांव को छोड़ा गया है उनको जोड़ाने का काम करेंगे। कई किसानों का जो मूंग का पैसा रुका है, सबसे पहले इसको हम मतलब DDA साहब से मतलब बात करके करवाएंगे। और ऐसे जो भी मुद्दे आएंगे किसानों के, उनको हम प्राथमिकता से लेकर सभी का समाधान करेंगे। हमारे पास जो है, जब 4 लाइन बना कि हमारे पास रास्ते नहीं है, बम्बे नहीं गाड़े, खेतों के रास्ते खराब कर दिए, हमने से कई खेतों को ठीक भी करवाए, कई लोगों को मुआवजा भी दिलवाया, कई बार धरने आंदोलन भी करें, कई SDMO को रोक करके काम करवाए किसानों का। अगर और भी ऐसी कोई समस्या किसानों की आएगी तो हम जरूर इस पर काम करेंगे, और हम 3 साल बिल्कुल पूरी ईमानदारी से अपने किसानों के हित में जो भी संभव का कार्य करेंगे। हमारे किसान संघ की रीति नीति के अनुसार हर 3 साल में अध्यक्ष का, मंत्री का और पूरी कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। उसी कड़ी में आज खंडवा जिले का भारतीय किसान संघ का गठन का कार्यक्रम रखा गया। आज जो है तो इसमें नए कार्यकर्ताओं के नाम की को दायित्व तो मिलता है, और ये 3 वर्ष तक रहती है और 3 वर्ष के बाद पुनः चेंज की जाती है। आगामी 3 साल के लिए जो भारतीय किसान संघ एक गैर राजनीतिक और राष्ट्रवादी संगठन है, इस ओर ध्यान में रखते हुए यह एक ईश्वरीय काम है। इसमें किसान संघ में सब परिवार भाव से काम किया जाता है, तो किसानों की जो भी समस्या होती है उसको दिल से लड़ेंगे, सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, निष्पक्ष सेवा की जाती है। आज खंडवा जिले के निर्वाचन के अवसर पर भोपाल से आया था। इस समय पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय किसान संघ के जिलों का निर्वाचन हो रहा है। भारतीय किसान संघ एक रजिस्टर संस्था है जो कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। उस 3 वर्षीय कार्यकाल के बाद हम लोग 10 रुपये की मेंबरशिप करते हैं, सदस्यता करते हैं, फिर ग्राम समिति बनाते हैं, फिर तहसील इकाई बनाते हैं। ये सब मिलकर आज ने जिला गठन किया है। जिले के बाद आने वाली 12 सितंबर को मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में प्रदेश टीम का गठन होगा। ये हमारी कार्य पद्धति है, जहाँ हम सब मिलकर परिवार भाव से नई टीम का गठन करते हैं, और ये जो टीम है ये आने वाले 3 साल तक किसानों के बीच में काम करती है, किसानों को जोड़ती है,
किसानों रक्षात्मक काम करती है, समय समय पर किसानों के मुद्दे उठा करके आंदोलन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से किसानों की पीड़ा को, किसानों की बात को शासन तक पहुंचाती है। जैसे भी आपने देखा होगा इस समय खंडवा जिले के अंदर अभी जो हमारा मूंग बेचा किसानों ने का पेमेंट बकाया है, आज ही विषय आ रहा था, बात हुई है ये। अन्य DDA साहब भी आने वाले हैं, हम उनसे मिलने वाले हैं, DMO साहब से मिलने वाले इस मूंग के पेमेंट के लिए। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास सनावाद है, यहाँ की मंडी में एक किसानों के एक व्यापारी के पास 4.5 करोड़ रुपये चले गए थे। व्यापारी ने मंडी के बाहर माल लिया, कुछ मंडी के अंदर लिया, पैसे किसानों को नहीं दे रहा था। किसान संघ ने धरना चलाया 15 दिन तक, सरकार ने 1.5 महीने का आश्वासन दिया, 1.5 महीने के बाद 2.5 करोड़ रुपए किसान की प्रॉपर्टी बेचकर दिया गया, 2.5 करोड़ मंडी ने ऊपर से लोन लेकर किसानों को दिया। यानी किसान का हित कैसे हो, किसान परेशान ना रहे, इस बात की जवाबदारी, इस बात की ड्यूटी भारतीय किसान संघ कार्यकर्ताओं की है, हम वो करते हैं जी। जय माँ चंडी मैया, माँ चंडी भव्य मंदिर निर्माण, माँ चंडी दरबार टिमरनी, माँ चंडी मैया का भव्य मंदिर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें आप सभी भक्तगण सहयोग अवश्य प्रदान करें एवं पुण्य के सहभागी बने और सभी लोग माता रानी के मंदिर में सहयोग करें। जय माता दी।